लग रही है। गाइस मेरी बात सो चुकी है, अभी पैडल में जोर ये क्या होने वाला है, बहुत भूख लग रही है प्यास। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. कैसे आप सब? So guys, आज हम लोग जा रहे हैं एक बाल पार्क और मेरी कजन्स भी आई है। सो मैंने कहा आज क्यों ना व्लॉग शूट किया जाए और आज आपको अपनी कजन से मिलवाओगी। और दूसरी बात यह है कि अभी तक मैं रेडी नहीं, मैं भी नॉर्मल हो लिया, मैं रेडी होगी फिर आपसे आगे मुलाकात होती है। एंड इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके थे, मैं रास्ते में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी थी। मैं पूरी रात सिर्फ 2 घंटे ही सोई थी, मैं सोई रही रास्ते में। तो फिर हमने देखा कि इधर म्यूजियम भी है। जब हमने टाइमिंग देखी तो पता चला कि रोज़ म्यूजियम ओपन होता है लेकिन मंडे को म्यूजियम नहीं ओपन होता, जिस दिन हम गुलशन इकबाल पर पहुंच चुके थे। एंड उसके बाद आज मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका था, हमें उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद हमने कहा कि फोटोशूट करते हैं तो मेरी कज़न्स के मसले नहीं, तो मेरे ऐसे तस्वीर लो वैसे तस्वीर लो, मैं उसका मुंह देख रही थी, बहन मेरी बारी का बानी। और यहाँ तक कि मीरा ने भी बहुत इन्जॉय किया, इतना अच्छा मौसम था ना। एंड देन साथ फिर हमने लेस वगैरह अपने खोले, हम कोल्ड ड्रिंक नहीं लाए थे तो हमने वहाँ से ली पूरे 100 रुपीज़ की, जो नॉर्मली 60 की मिलती है। एंड फिर हमने इसके बाद करनी थी बोटिंग, ये पूरा व्यू मैंने कहा आपको दिखा दूँ, ये सारी डक्स वगैरह थी। एंड उसके बाद हमने फाइनल ले ली टिकट्स और फिर हम निकल गए। इतनी चीज लग रही है और क्या। गाइस मेरी बात सो चुकी है अभी से ही, थक गए हम लोग, बहुत थक गए हैं। A few moments later. गाइस अब हमारी बिल्कुल ही बात सो चुकी है, अब हमने वापस जाना है। और हम लोग हल्का खत्म ही हमारा टाइम हमें लगा था, हो जाएगा जल्दी। इसका होना ना होना एक बराबर है, पैडल में जोर ही लगा रही है, मतलब बिल्कुल नाजुक पसीना बनी हुई है, मैं थक गई हूं। ये नहीं चलाया जा रहा मुझसे, वो देखो वो गाइस वो देखिए हमारी कदर इतनी दूर है, और हम लोग कुछ ऐसे घूम रहे, हमें ये ना वहाँ तक पहुँच जाए फिर वापस आते हुए तब लेट हो जाए तो वो कहे पैसे निकाले बहन, ऐसे बेहतर है पैसे की बचत भी करेगी। और फाइनली हम जा रहे हैं, हम सोच रहे हम खैर 10-20 रुपए बीच में से काट लो। A few moments later. सो गाइस इसके बाद हम निकाले खग्गा, जिसका नाम बहुत फनी लगता है। उसके बाद जंग शुरू होगी मेरे दिमाग और दिल की कि फ्लाइंग बट लू या ना लू, लेकिन जीता कौन, मेरा दिमाग दिल नहीं माना था लेकिन दिमाग की मैंने सुन ली और मैं फाइनली बैठ गई। सो गाइस अभी मैं बैठ चुकी हूँ और दिल घबरा रहा है हमारा, पता नहीं हमारा क्या, हम भूखे पेट आया पता नहीं आगे जाके हम मेरा नहीं घबरा रहा, बाद में घबराते थे कि नहीं घबरा रहा। सब हम लोग की हालत बहुत खराब हो गई, मतलब अजीब चक्कर आ रहा है, फिर भी हम लोग जितने डीठ हैं दूसरा झूला लेने लगे हैं। तो गाइस अब हम लोग इस नाम की डिस्कवरी में तो बैठ गए लेकिन अब पता नहीं मेरी ना जान निकल रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। नहीं है पीछे आप सुन सकते हैं वहाँ कितनी चीज़ें आ रही है, देखिए हमारी चीज़ें कितनी निकलने वाली है। सो गाइस अब हम लोग वापस जाने लगे, बड़ा मज़ा आया आज, मतलब 3 से 4 हमने झूले लिए, उससे ज़्यादा हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। और मुझे ना बहुत भूख लगी और प्यास वगैरह लगी, तो घर जाके हम लोग खाना वगैरह खाए गए एंड फिर इस व्लॉग खत्म करेंगे। सो गाइस अब हम लोग वापस आ चुके हैं एंड अब हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, मैंने जो लास्ट डिस्कवरी झूला लिया था उसके बाद से मेरी शक्ल ऐसे ही है, मुझे अजीब सी हालत हुई है। और ऊपर से अच्छी बात यह है कि हम लोग घर आए सरप्राइजिंगली, पापा किचन में सालन बना रहे थे और अभी तक रोटियाँ नहीं आई बाहर से, वासी में पता नहीं रोटियाँ बनाने लग गए एंड मुझे इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है कि मैं मतलब क्या बताऊँ, मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं सही से किया एंड खाना खाएंगे। एंड आज के व्लॉग तो यहीं तक, होप कि आपको अच्छा लगा है और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।